खबर महाराष्ट्र में। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले मलाड पश्चिम के मडाईलैंड क्षेत्र की, जहां सिल्वर बीच के किनारे एक दुर्लभ कछुआ बरामद हुआ है जो आकार में काफी बड़ा है और इसे देखने के लिए यहां बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ उमड़ आई। इसकी जानकारी यहां मौजूद लोगों ने वन्य जीव प्रेमी आनंद मोहिते को फोन कॉल के जरिए दी, जिसके बाद वन्य जीव प्रेमी आनंद मोहिते ने घायल समुद्री कछुए के मिलने की सूचना महाराष्ट्र राज्य पुलिस नियंत्रण के माध्यम से कांदलवल प्रकोष्ठ के अधिकारी संतोष जाधव और मालवनी पुलिस को दी। समुद्र के किनारे दुर्लभ कछुए के मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी योगेश कोहली, नीलेश पुकाले कांदल वन प्रकोष्ठ के अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी महादेव सिंगड़े समेत कई वनकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायल समुद्री कछुए को वन रेंज अधिकारी के मार्गदर्शन में सरकारी वाहन के जरिए इलाज के लिए उसे नवी मुंबई के समुद्री जैव विविधता केंद्र ले जाया गया। वन विभाग अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक घायल अवस्था में मिला ये लॉन्गर हेड कछुआ एक मादा प्रजाति है। इसकी पीठ पर घाव के निशान भी पाए गए हैं। फिलहाल इस कछुए का इलाज चल रहा है। इस साल मिले कछुओं में ये कछुआ आकार में सबसे बड़ा है और इस कछुए ने काफी समय से कुछ खाया पिया नहीं था। इस कछुए की प्रारंभिक जांच और एक्सरे रिपोर्ट में ये पता चलता है कि इस कछुए को निमोनिया हुआ है, साथ ही साथ नाव के पंखे से टकराने की वजह से इसकी पीठ में चोटें आईं। इस मादा लकड़हारे कछुए का उचित इलाज किया जा रहा है और ठीक होने के बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ दिया जाएगा। एक बार फिर से अपनी टीवी स्क्रीन पर जरा गौर से देखिए, ये कछुआ मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित मड आइलैंड इलाके से मिला है। यहाँ के सिल्वर बीच के पास इसे घायल अवस्था में पाया गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की यहां भीड़ उमड़ आई। लेकिन यहां वन्य प्रेमी को बुलाकर किसी तरीके से प्रशासनिक महकमे तक इस खबर को पहुंचाया गया, जिसके बाद सरकारी वाहन में इस कछुए को ले जाया गया है। फिलहाल ये खतरे से बाहर है और इसका इलाज चल रहा है। फॉरेस्ट वाले पोचते पोलीस सुधा पोचत है, पानी टाकतो आम्ही कासवावर, थोड़ा बरा वाटतंय त्याला, पण तो म्हणजे असा सेफ फीलिंग सेफ फील करतोय, म्हणजे आम्ही वाचू शकतो। कारण की तिकडे लाटामध्ये होता ना, तेव्हा त्याला लाटांनी मारून मारून म्हणजे लाटा जोर जोरांनी लागत होते आणि तिकडे दगडसुद्धा होता, तर अजून त्याला लागण्याची शक्यता होती। पण आता आम्ही वरती घेतलेलं आहे, खूप हॅवी आहे। किती किलो असेल तरी काका? शंभरच्या वर पकड, नाही शंभर नाही, जास्त जास्त 200-300 किलो असेल, 300 किलो, 300 किलो, हा 300 किलोच्या वरती असेल। चौघांनी उचललं, चौघावर लागलो, हा आम्ही चौघा जणांनी उचललं तरी पण उचलत नव्हता। तर बरं वाटलं, हे काका पण आले। आता हे कुठून घेऊन आले काका तुम्ही? तर आता हे घेऊन आले, खूप बरं वाटलं। माझ्या मित्राने मला व्हिडिओ पाठवला की असं असं कासव आलेला आहे, तर मी बोललो ठीक आहे, जिवंत आहे, मी येतो आणि मग बघितलं तर जिवंत होता। आणि मग फॉरेस्टवाल्यांना फोन केलेला आहे, पोलिसांना सुद्धा इन्फॉर्म केलेले आहे। सुरुवातीला मी एकटाच होतो, पण जर मी पुढाकार नाही घेतला असता तर तो मेला असता। पण आता मी पुढाकार घेतला आणि हे काका चालू, हे काका आणि दोन काका गेलेले आहेत, तर बरं वाटलं। आता बघूया, वाचला पाहिजे एवढंच आहे काय काका? वाचेल ना, वाचेल। आता तो फिट वाटतोय, फक्त त्याचा मागचा आहे ना, मागचा जो तर बघूया। त्याचे जो मागचे पाय आहेत ना, मागचा एक पाय तुटलेला आहे, एक पाय तुटला आहे मागचा, नाही तुटला आहे, नाही आहे पाय। तर मित्रांनो, फायनली आता आपण कासवला रिसीव्ह केलेला, आता गाडीमध्ये टाकणार आहे। सर आहेत, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मॅडम आहेत, म्हणून तुझं नाव सांगितलं, गौली मॅडम आहेत आणि सर भरत सर आहेत, योगेश सर आहेत आणि नीलेश सर आहेत आणि आपली सगळी मंडळी। तर चांगला प्रयत्न आहे कासवाचा जीव वाचवण्याचा। तर बघूया, आता जाऊया, अपडेट भेटेल का? अपडेट भेटेल चला, थोडीशी मदत होती सर्वांनी केली, सुरुवात मी केली, पण त्याच्यानंतर काका वगैरे सर्व जमले आणि आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पण आले, आता त्याला घेऊन जातो।